Hello everyone, welcome to the SAM, that is a study art motivation and education, and in this video we are going to discuss the difference between long and short cone technique. Okay, long cone technique ko hum aur kya kehte hain, right angle technique bolte hain, aur hum kya kehte hain usse, parallel technique bolte hain, paralleling technique bolte hain, for taking periapical IOP. theek hai, and शॉर्ट कोन टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कोन टेक्निक को हम बाइसेक्टिंग टेक्निक भी बोलते हैं. नाउ हम बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं, एंड ये शॉर्ट नोट या लॉन्ग नोट में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, एंड इसी के ऊपर कुछ क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इन योर नीट. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ओके, सो हम इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले. सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज, जो आपका शॉर्ट कोन में क्या होता है, आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज मिलता है या फिर डिफ्यूजन ऑफ इमेज मिलता है. ओके, नाउ व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग इन शॉर्ट कोन, बिकॉज इट ओनली फॉलोज फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन ज्योमेट्री, बट लॉन्ग कोन फॉलोज ऑल एक्सेप्ट थर्ड प्रिंसिपल. ठीक है, दैट इज दैट योर ऑब्जेक्ट एंड फिल्म डिस्टेंस शुड बी शॉर्टर, बट इट्स अ लॉन्ग कोन टेक्निक, इसलिए वो उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता. ओके, तो जस्ट बिकॉज शॉर्ट कोन इज फॉलोइंग फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ प्रिंसिपल, द इमेज विल बी डिफ्यूज और distortion of image will be there, but long cone technique it follows all the principle except third principle. So isme aapko sharp details dekhne ko mil jayenge. Okay, now second difference is, in short cone there is high chances of elongation and shortening of image. theek hai, but aapko long cone mein hamesha same size aur shape dekhne ko milega. theek hai, now डिस्टॉर्शन ऑफ टीथ, हम अगर शॉर्ट कोन के थर्ड, शॉर्ट कोन और लॉन्ग कोन के थर्ड डिफरेंस की बात करें, तो देयर विल बी अ डिस्टॉर्शन ऑफ टीथ ड्यू टू ऑब्लिक एक्सपोजर एंड बेंडिंग ऑफ फिल्म. ठीक है, ऑब्लिक एक्सपोजर है तो, और हम जो फिल्म का बेंड कर रहे हैं वो भी ढंग से नहीं होगा, तो देयर विल बी अ डिस्टॉर्शन ऑफ टीथ. बट लॉन्ग कोन में अगर हम देखें तो एनाटॉमिकली एक्यूरेट यूजिंग राइट एंगल एक्सपोजर एंड फ्लैट सर्फेसिस ऑफ द फिल्म. Fourth difference between long and short cone is, in short cone what happen, shadow of alveolar bone tend to fill the interproximal spaces, but in the long cone alveolar crest seen in true relationship to the teeth. ठीक है, as I said कि long cone में sharp details देखने को मिलती है. ठीक है, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, एल्वियोलर क्रेस्ट भी आपको बिल्कुल ट्रू रिलेशनशिप देखने को मिलेगा विथ टीथ. बट अगर हम शॉर्ट कोन की बात करें, एज वी हैव डिस्कस्ड इन अ वेरी फर्स्ट डिफरेंस, कि या शॉर्ट कोन में थोड़ा डिफ्यूजन और डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज होता है, जिसकी वजह से आपको एल्वियोलर बोन की शेडो देखने को मिल सकती है ना, इंटरप्रोक्सिमल स्पेसेस. ठीक है, नाउ कमिंग टू फिफ्थ डिफरेंस, दैट इज मोर वर्टिकल एंगुलेशन. ठीक है, ज्यादा वर्टिकल एंगुलेशन है. अब देखो, ये एंगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एंगुलेशन ज्यादा होगा तो देयर विल बी अ चांस, हाई चांसेस ऑफ एलोंगेशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ इमेज. ओके, लेकिन लॉन्ग कोन में क्या होता है, देयर इज लेस वर्टिकल एंगुलेशन, दस सिमिलर बकल एंड लिंगुअल पार्ट ऑफ द टीथ अपियर्स क्लोज टू आर्च other in radiograph and more teeth area underneath the restorations is revealed. Okay, sixth difference is superimposition of the shadow, as we have already discussed why a shadow of alveolar bone aapko interproximal spaces mein dekhne ko mil sakta hai. Similarly aapko superimposition and of shadow of zygomatic arch dekhne ko mil sakta hai, but long cone mein vertical angulation kam hai. लेस वर्टिकल एंगुलेशन इन मैक्सिलरी एंड मैक्सिलरी मोलर रीजन अवॉइड्स द शेडो ऑफ जाइगोमेटिक आर्च, तो हमें जाइगोमेटिक आर्च का शेडो भी इसमें नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, सो ये तो हुआ आपके कुछ बेसिक से. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अदर डिफरेंसेस बिटवीन दिस. ओके, तो अब हम सेवेंथ डिफरेंस देखते हैं. तो bisecting technique, or you can say short cone technique, it is a easier technique and it requires less space. लेकिन वही है,
इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं कि शेडोज ऑफ एल्वियोलर क्रेस्ट देखने को मिल सकता है, शेडोज ऑफ जाइगोमेटिक प्रोसेस देखने को मिल सकता है, डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज हो सकता है, डिस्टॉर्शन ऑफ टीथ हो सकता है, ठीक है. बट इट इज अ इजियर टेक्निक एंड इट्स एन एडवांटेज ऑफ बाइसेक्टिंग और यू कैन से शॉर्ट कोन टेक्निक, ठीक है. लॉन्ग कोन टेक्निक में क्या होता है, इट नीड्स लार्जर वर्किंग स्पेस, ठीक है. अब लार्जर वर्किंग स्पेस क्यों, बिकॉज इट फॉलोज ऑल द प्रिंसिपल्स, ओके, एक्सेप्ट थर्ड. नाउ मोर, अब हम एट डिफरेंस में आते हैं, दैट शॉर्ट कोन में क्या होगा, मोर इफेक्टिव वेन द पैलेट इज शेलो, चिल्ड्रंस विद एडल्ट साइज टीथ बट अंडर डेवलप्ड जॉस. बट इन लॉन्ग कोन क्या होगा, इन अ सिमिलर सिचुएशन अपाइसिस ऑफ द टीथ मे बी कट ऑफ, ठीक है. तो ये एक इसका डिसएडवांटेज. अब आप बताएं, अगर डिफरेंस आपको पता होगा ना, तो आप लॉन्ग कोन एंड शॉर्ट कोन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी लिख के आ सकते हो, ओके. नाइन्थ देखते हैं हम, इन रेयर केसेस व्हेन द टीथ आर लॉन्गर देन फिल्म द एंटायर टूथ मे बी सीन बाय ओवर एंगुलेटिंग द वर्टिकल एंगुलेशन, ठीक है. अब बाइसेक्टिंग और यू कैन से शॉर्ट कोन टेक्निक में बहुत ही रेयरली अगर टीथ जो है वो लार्जर है, इट इज इफ द टीथ इज लार्जर देन फिल्म, तो आपको वर्टिकल एंगुलेशन थोड़ा सही करके आपको पूरा एंटायर टूथ देखने को मिल सकता है. नाउ दिस ये जो चीज है इट इज नॉट पॉसिबल इन लॉन्ग कोन, ओके. नाउ कोन कटिंग, हम टेंथ पे आते हैं, तो कोन कटिंग इज कॉमन एरर स्पेशली इन द थर्ड मैक्सिलरी थर्ड मोलर, ओके. एंड इन लॉन्ग कोन क्या होता है कि पीआईडी हेल्प्स टू रिड्यूस सच एरर्स, ठीक है. तो हमें ज्यादातर एरर्स नहीं देखने को मिलते हैं इन लॉन्ग कोन टेक्निक, ओके. देन द लास्ट डिफरेंस इज कर्व्ड फिल्म ड्यू टू इनकरेक्ट फिंगर प्रेशर. एंड यहां पे क्या होता है, फिल्म को है हम कर्व करते हैं और हम फिंगर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से अगर इनका थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ, थोड़ा सा भी इनकरेक्ट फिंगर प्रेशर हुआ, तो क्या होगा, इमेज अच्छी नहीं आएगी. नाउ दिस थिंग इज नॉट हैपन इन लॉन्ग कोन, क्यों, क्योंकि यूज ऑफ फिल्म होल्डिंग द डिवाइस प्रिवेंट सच एरर्स, क्योंकि हम जो हम फिल्म यूज कर रहे हैं हम उसे होल्डिंग डिवाइस से पकड़ते हैं, ठीक है, फिंगर प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता है. सो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन लॉन्ग कोन एंड शॉर्ट कोन. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर एकेडमिक्स, एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग टू शेयर माई नोट्स over a drive, and you don't have to do anything to get my notes, you just have to subscribe to the channel first, okay, and just comment down your email ID and I will share it as soon as possible. So yeah, these are the things which I have to tell you, and I'll see you in our next video. Thank you so much for watching this video till end if you are there, okay, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you so much.